Hi guys, how you guys are doing? Welcome back to my YouTube channel. So this video is not going to be any vlog, study vlog, nothing. But this is going to be my 30-day strategy for CVT. Yes, only 30 days are left. And yes, time bahut zyada jaldi jaldi ja raha hai. I know we all are stressed about ki syllabus kaise complete hoga. CUET क्रैक होगा या नहीं होगा, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे हमारे पास एंड मोर. तो देखो, हमें स्ट्रेस नहीं लेना है, राइट? हमें देखो, जितना टाइम हम स्ट्रेस लेने में लगाएंगे उससे ज्यादा हम थोड़ा सा अपना प्लानिंग करते हैं. एक नोटबुक लेके बैठते हैं, सब्जेक्ट्स लिखते हैं, चैप्टर्स लिखते हैं. सबसे पहले डिसाइड करो किस सब्जेक्ट को, किस चैप्टर को कितना आपको प्रायोरिटी पे रखना है. अगर आप लोग इंग्लिश दैट इज लैंग्वेज और जीटी पे ज्यादा ध्यान देना चाहते हैं तो उस पे दो. डोमेन्स आपके वीक हैं तो उस पे दो. मतलब आप लोग अपना एक वीक पॉइंट ढूंढो, एट विच सब्जेक्ट यू आर वीक. लैंग्वेज में वीक हैं हम, जीटी में वीक हैं. लैंग्वेज इज नॉट ईजी, इंग्लिश इज नॉट ईजी, इट्स नॉट अ कप ऑफ टी. तो इंग्लिश देखो, मैं अपना टाइम टेबल बताती हूँ आप लोगों को, व्हाट आई एम गोइंग टू फॉलो या मैं क्या फॉलो कर रही हूँ. ठीक है, यस, मैं भी फॉलो कर रही हूँ वो चीज़ें. मैंने देखा है, मैंने नोटिस करा है व्हाट आई एम इम्प्रूविंग एट, मेरे क्या टाइम टेबल में चेंजेस हो रहे हैं. सो आई एम गोइंग टू टेल यू गाइज दैट. सबसे पहले मैं अपने सब्जेक्ट्स मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता रखे हैं, फिर से बता देती हूँ. सो मैंने क्या क्या सब्जेक्ट्स लिए हैं सीयूईटी में. लैंग्वेज में मैंने इंग्लिश लिया है, पॉल साइंस, फिजिकल एजुकेशन एंड आईपी. दैट्स इट. आई हैव ओनली 4 सब्जेक्ट्स इन माय सीयूईटी. यही रिक्वायर्ड है फॉर डीयू. नाउ इंग्लिश से स्टार्ट करते हैं. तो मैं इंग्लिश कैसे करती हूँ, सबसे पहले विच चैनल आई फॉलो सीयूईटी अड्डा 24/7 फॉर इंग्लिश, रुबाइका मैम. के बाद गाइस, हम लोगों को क्वेश्चन बैंक, हम लोगों को मॉक टेस्ट देना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो रोज इंग्लिश का मॉक टेस्ट देना आप लोग अपनी टू डू लिस्ट में सबसे टॉप पे लिखो, क्योंकि जितने मॉक टेस्ट दोगे ना आप मेंटली उतना प्रिपेयर होगे. सेम क्वेश्चन तो देखो पेपर में नहीं आएगा, बट आपके टॉपिक तो सेम आएंगे ना. आप लोग मेंटली प्रिपेयर हो सकते हो कि इस टॉपिक को कैसे हमें करना है. कोई भी डाउट आता है वन शॉट देखो यूट्यूब पे, दैट्स यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. इंग्लिश इजी नहीं है बट इंग्लिश टफ भी. 1 आवर अपनी लैंग्वेज को जरूर दो. ते हैं डोमेन्स पे, तो डोमेन हर एक सब्जेक्ट को, हर एक डोमेन को मैं डे में 1 आवर दे रही हूँ. एंड ऐसे ही मेरे 4 आवर्स कंप्लीट हो जाएंगे पूरे डे में पढ़ाई के. उसके बाद ट्राई करो कि आप लोग जो रोज आपने, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है डोमेन्स में भी, तो ट्राई करो कि आप रोज एक चैप्टर एनसीईआरटी से पढ़ो. बिकॉज एनसीईआरटी ही आएगी, एनसीईआरटी से ही आएगा. अबाउट क्वेश्चन या मॉक्स, मॉक्स के लिए आप हमेशा कोई अच्छी पब्लिकेशन ऑप्ट करो. आई पर्सनली यूज ओसवाल बुक्स एंड दिस इज सीयूईटी यूजी. दिस इज फॉर पॉल साइंस एंड इट हैज 10 मॉक टेस्ट प्लस इट हैज 2 प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन पेपर, विच इज वेरी हेल्पफुल फॉर मी एटलीस्ट दैट आई कैन परफॉर्म ईच मॉक टेस्ट ईच डे. सो क्वेश्चंस यू आर गेटिंग रेडी, यू आर नोइंग कि व्हाट इज द लेवल ऑफ क्वेश्चंस. एंड इस साल तो एनटीए ने खुद ही बता दिया कि मॉडरेट लेवल आएगा, इजी टू मॉडरेट. सो वी डोंट हैव टू वरी. आप लोगों को सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा पेपर देने के बाद कि हमारा डीयू पक्का है. बाद इफ यू आर हैविंग जीटी, प्लीज गाइज 3 घंटे, एटलीस्ट 3 आवर्स रोज अपना जीटी को दो. एटलीस्ट इन 30 डेज में हमें 40 to 50 मॉक टेस्ट हर सब्जेक्ट के देने हैं. And if you guys are confused which channel or which book to follow, you can refer my this video. I have already made this video. If you have any query, drop it in the comment section. I will be replying you as quick as I can. And that's it for today's video. I hope aap logo ko ye video acha laga hoga, aap logo ke liye helpful hua hoga, and we can do this. Bye.